Now coming to the next question, which is question number 13. The question says, the following observations have been arranged in ascending order if the median of the data is 63. Find the value of x. So here, हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है एंड ये असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने प्लेस कर रखा है. अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो वैल्यूज में x आ रहा है. सो आपको x फाइंड करना है प्लस आपको मीडियन गिवन है. तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, वी काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. तो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म्स है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन. सो मीडियन विल बी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं मीडियन, n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस वन एथ टर्म, ओके, एंड होल अपॉन टू. करेक्ट, इसी तरह से करते हैं हम. सो मीडियन इज गिवन टू बी 63. सो यहां पे लिख देंगे हम 63. यहां पे अभी हम टर्म फाइंड करें तो n इज 10, मीन्स 10 अपॉन टू प्लस अगेन 10 अपॉन 2 प्लस 1, ओके, एंड होल अपॉन 2. सो 63 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 मीन्स द फिफ्थ टर्म प्लस अगेन 10 अपॉन 2 5 प्लस 1 6, सो मीन्स द सिक्स्थ टर्म अपॉन 2. सो अगेन 63 इक्वल्स टू फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ टर्म इज x. सो वी रिप्लेस द फिफ्थ टर्म एज x प्लस सिक्स्थ टर्म इज x प्लस 2 एंड अपॉन में हमारे पास है 2 एंड आगे हमें इसको अब सॉल्व करना है. सो हाउ विल सॉल्व दिस 2, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 63 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12. सो वी हैव 126 इक्वल्स टू x प्लस 2. करेक्ट, अब हम क्या करेंगे, दिस विल बिकम 2x, ये जो 2 है इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 126 माइनस 2. Now 126 minus 2 is 124 equal to 2x. 2 यहाँ multiply और इधर आके divide हो जाएगा. So 124 upon 2 equal to x. इसको cancel करेंगे. This will be 1. This will be 62. तो x equals to 62. हमें यहाँ पे x की value find करनी थी and that is 62. Okay? So this was our question number 13. Let's move to the next question.